हाय दोस्तों, मैं हूं रिजो और एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको बताना चाहूंगा सर्कल ऑफ फिट के बारे में। लोगों को प्रॉब्लम होती है स्केल्स के बारे में, डी में कितने शार्प होंगे, एफ में कितने शार्प, शार्प पीछा बाप रे सब कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई उससे हम कैसे निपटे, मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीका है और आप एक्चुअली में सी टू बी तक के बारे में बताऊंगा आज में, जिसमें कि आपके सारे शार्प कवर होंगे और आप देखिएगा लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी और इजी और बहुत ही मस्त भरा। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आज आप सर्कल ऑफ फिट सीख पाए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन का याद होगी, जैसे ए के साथ चलता है ए डी ई ई ए बी 1 4 5, राइट। तो सबसे पहले हम साइड में वो लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए ए डी ई ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प E, F, F sharp, G, G sharp. उसके बाद D के आगे D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp. और उसके बाद F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D और डी शार्प। ये होता है आपका 1 4 5 का रूल। तो ये ऐसे आप साइड में लिखिए। अब क्या कर रहे हैं, सर्कल ऑफ फिफ्थ का मतलब फिफ्थ में वो घूम रहा है। एक्चुअली अभी सिर्फ सीखने के लिए हम सी से शुरू करते हैं, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो सी में कोई भी शार्प या पैटर्न। तो सबसे पहले हम सी लिखेंगे ऐसे लिखे। दोस्तों हमारे को पता नहीं है, चलो अब आगे हम चलते हैं। सी के आगे हम फिफ्थ लगाएंगे, तो सी की कॉम्बिनेशन में इधर आ जाएंगे। सी जी फिफ्थ नोट क्या है, जी। तो ये हमने जी ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, जी की कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जी की कॉम्बिनेशन में आता है जी सी डी, तो डी लिखे हमने। फिर हम जाएंगे डी की कॉम्बिनेशन की तरफ, वो है डी जी ए, तो फिफ्थ क्या हो गया, डी का ए। फिर ए की कॉम्बिनेशन में जाते हैं, ए कहां पड़ा, ये रहा ए डी ई, यहीं पे आ गए हम, ठीक है। अब ई के बाद E का फिफ्थ क्या हुआ, ई ए बी, तो ये हम बी रखें। अब आगे हमें क्या करना है, अब आप देखिएगा सी में तो हमें पता है जीरो शार्प है, इसके बाद जी में होगा एक शार्प, सिर्फ हमको सबसे पहला नोट याद कर लेना, दैट इज एफ शार्प। अब इसका भी सीरीज फिफ्थ में लगेगा, फॉर एग्जाम्पल अब डी में हो जाएंगे दो शार्प एफ शार्प। अब हम सीधे कॉम्बिनेशन पे आएंगे, डी में देखेंगे वो एफ शार्प में देखेंगे, एफ शार्प की कॉम्बिनेशन लगाएंगे एफ शार्प बी सी शार्प, तो नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो गया आपका सी शार्प, तो हमने ऐसे लगा लिया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लगा देंगे, वो लगा देंगे एफ शार्प सी शार्प, और सी की कॉम्बिनेशन सी शार्प की कॉम्बिनेशन चलते सी शार्प एफ शार्प जी शार्प जी शार्प। अब नेक्स्ट एफ शार्प सी शार्प जी शार्प जी सी डी, तो इसका शार्प लगा देंगे डी शार्प, और बी में आपका आएगा आपका एफ शार्प सी शार्प जी शार्प डी शार्प, और डी का कॉम्बिनेशन होता है डी जी ए, तो हम डी शार्प का कॉम्बिनेशन लेना डी डी शार्प जी शार्प ए शार्प, तो ए शार्प, है ना भाई, कितना सिंपल। सो इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, दिस इज हाउ वी टेक इट। आज मैं आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ ये लेसन, मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक करिए और शेयर करिए जितने भी हो सके, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये वीडियो आए और ये लोग सीखें। तो मेरे YouTube चैनल पे आप प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।